हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। एक बार फिर से हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों के आड़ में छिपा के रखा है। उसके लिए यीशु मसीह का धन्यवाद देंगे, ठीक है, क्योंकि वही अल्फा ओमेगा आदर अंत है। उसी ही के द्वारा सभी को जीवन मिला है, उद्धार मिला है, अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने दिया है। इसके लिए यीशु मसीह का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे, ठीक है। मेरे प्रियजनों अब दुख में हैं, तकलीफ में हैं, समस्याओं में हैं, गरीबी में हैं, बीमारी में हैं, तो आज आपको परमेश्वर से बताना है। आज आपको किसी मनुष्य से नहीं बताना है, उस परमेश्वर से बताना है। वो इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है, वो करुणा निधान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है। यीशु मसीह ने कहा है, देख मैंने तेरे रोगों को, मैंने तेरे दुखों को निश्चय अपने ऊपर ले लिया हूँ और क्रूस पे चढ़ गया हूँ। यीशु मसीह ने कहा है। मेरे प्रियजनों, हम सभी को डरने की, घबराने की आवश्यकताएँ नहीं है। वो इतना महान परमेश्वर है, सिर्फ उसके जीवनों में आदेश देना है, आपके जीवन में वैसा ही हो जाएगा। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, तुम मुझ में बने रहो, मेरा जीवित वचन तुम में बना रहे, तो जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है, हम सभी को यीशु मसीह के वचनों पर चलना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है। यीशु मसीह ने कहा है, तू व्यभिचार न करना, तू चुगली न करना, गाली न देना, लालच न करना, किसी के घर का लालच न करना। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने हम सभी को सारी आज्ञाएँ दी हैं, 10 आज्ञाएँ दी हैं। हम इन आज्ञाओं को अपने जीवनों में फॉलो करना है, उतार लेना है। वो परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करेगा, हमारी लाइफ स्टाइल को वो चेंज करके रख देगा परमेश्वर, ठीक है। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा, यदि रो रहे हो, बिलख रहे हो, चिल्ला रहे हो, यदि आपको किसी बात की घटी है, तो आज हम सभी को किसे यीशु मसीह से बताना है। हम सभी को किसी मनुष्य का सहारा नहीं लेना। परमेश्वर का वचन कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य का सहारा लेता है, उस पर भरोसा रखता है। मेरे पिता, आपने कहा, मेरे प्रियजनों, हम सभी को यीशु मसीह पर विश्वास करना है, किसी मनुष्य का हम सभी को सहारा नहीं लेना है। इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है, वो करना निधान परमेश्वर है। मेरे प्रिय, आपके जीवन में हर एक रुकावट के बंधन है, हर एक कराधरा के बंधन है, हर एक दुष्ट आत्माओं के बंधन है, तो आज आपको परमेश्वर से बताना है, आज आपको यीशु मसीह से बताना है। यीशु मसीह आपके जीवन में वो चमत्कार करेगा, आपकी लाइफ स्टाइल को परमेश्वर बदल के रखने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ तेरी क्या इच्छाएं हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या जरूरतें हैं। वो इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है, हम सभी को क्या चाहिए परमेश्वर जानता है। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह का वचन कहता है, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह अनंत जीवन उसके पुत्र में है, यीशु मसीह में है, परमेश्वर में है। यीशु मसीह ही जगत की ज्योति है, यीशु मसीह वह जीवन का रास्ता है, यीशु मसीह वह सीढ़ी है, जिस पर हम विश्वास करने के जरिए हम स्वर्ग तक पहुँच सकते हैं, अनंत काल का जीवन प्राप्त कर सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा है, जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाएगा तो भी वह जिएगा। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, अपने वचनों के अनुसार वो परमेश्वर आपके जीवन में काम करने वाला परमेश्वर है, आपकी लाइफ स्टाइल को बदलने वाला परमेश्वर है, आपके जीवन में बड़े बड़े मिराकल करने वाला परमेश्वर है, आपके जीवन में चेंजिंग करने वाला परमेश्वर है। आप जो नहीं सोचे हो वो आपके जीवन में परमेश्वर करने वाला परमेश्वर करेगा। मेरे प्रियजनों, बस हम सभी को यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना है, उसके वचन पर चलना है। परमेश्वर ने कहा है, 10 आज्ञाएं दी हैं, हम उन आज्ञाओं को मानना है, हमें उन आज्ञाओं पर चलना है, उन वचनों को अपने जीवन में उतार लेना है, हृदय रूपी पटिया पे लिख लेना है। मेरे प्रियजनों, ठीक है, यीशु मसीह ने हम सभी से कितना प्यार किया, इतना प्यार किया कि उसने अपना कीमती रक्त बहाया, कोड़े खाए, मार खाई, बेइज्जती सहा, दुख सहा, दर्द सहा, उसके शरीर में 39 कोड़े लगवाए गए, उसके सिर के ऊपर कांटों का ताज पहनाया गया, उसके हाथों पैरों में कीले ठोकी गई, उन कोड़ों के साथ मेरे प्रियजनों उसका मांस तक खींच कर चला आता था। इतना दर्द, इतनी पीड़ाएँ, इतना कष्ट मेरे प्रियजनों हमारे लिए यीशु मसीह ने ले लिया, हमारे लिए, सिर्फ और सिर्फ हमारे पाप के कारण। जो सजा हमें मिलने वाली थी वो सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, और हमारा परमेश्वर कलवरी क्रूस पर चढ़ गया और बलिदान हो गया, और वह पवित्र शास्त्र के अनुसार वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा।
वह जीवित परमेश्वर। मेरे प्रियजनों, हम सभी लोग जिंदा परमेश्वर की सेवा करते हैं। वो इतना महान परमेश्वर है। आपके जो हर एक कराधरा के बंधन है, हर एक अंधकार की शक्ति के बंधन है, हर एक जादू टोना के बंधन है, हर एक गंदी आत्माओं के बंधन है, तो आज अपने अपने मुँह से अंगीकार करना है, उन बंधनों को तोड़ना है। आपके जीवन से वो दुष्ट जाएगा। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं थरथराती हैं, परमेश्वर के नाम से दुष्ट आत्माएं कांपती हैं। यीशु मसीह के सामने औकात नहीं है कि वे खड़े रह सके। मेरे प्रियजनों, इस प्रार्थना को आंख बंद करके सुनेंगे और लास्ट तक सुनेंगे और लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करेंगे। जब आमीन बोलते हैं तो प्रार्थना पूरी हो जाती है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास पहुंच जाती है और परमेश्वर अपने हिसाब किताब से उसका उत्तर भी दे देता है। चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते हैं। मेरे परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु, आप महान हैं। मेरे पिता, आप दयालु हैं। मेरे पिता, आप करुणा निधान परमेश्वर हैं। आप राजाओं के राजा परमेश्वर हैं। मेरे पिता, मेरे प्रभु, जो आपने यीशु पापा हम सभी को मेरे पिता जीवितों के बीच में पिता जीवित रखा है, पिता संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है। मेरे प्रभु, इस संसार से चुना है पिता, चुन के अलग कर दिया पिता, अंधकार के लोगों से, अंधकार से पिता ज्योति में कर दिया है प्रभु। इसके लिए पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। यस हालेलुया। मेरे पिता, कितने मनुष्य होंगे पिता, अन्य जाति लोग होंगे पिता, जो आपको नहीं जानते होंगे पिता, जो जानते हैं फिर भी नहीं मानते हैं पिता, वे मर गए होंगे पिता, वे अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से बिछड़ गए होंगे पिता, वे बहुत दूर चले गए होंगे पिता, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं, जहां का धुआं युगान उठता रहता है पिता, वे उस स्थान पे चले गए होंगे पिता, जो गड्ढा अपने शैतान के लिए तैयार करके रखा है पिता, वे उस स्थान पे चले गए होंगे पिता, जहां पर धनवान अभी भी मौजूद है। मेरे पिता, मेरे पिता, जो आपने हम सभी को पिता माता के गर्भ से चुना है, आपने कहा मैंने तेरा नाम लेके बुलाया है, तू मेरा ही है। मेरे पिता, आपने कहा मैं तुझे अंगूठी की तरह संभाल के रखने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुझे अंगूठी की तरह संभाल के रखूंगा। मेरे पिता, आपने कहा। मेरे पिता, मेरे प्रभु, पूरे विश्वास के साथ पिता इन मसीह भाई बहनों के जीवन में पिता आदेश देते, पिता आपके दास होने के नाते मेरे परमेश्वर पिता, मेरे पिता जो खाट पे पड़े पिता, जो बेड पे पड़े हैं पिता, जो आखिरी सांस ले रहे पिता, जो जूझ रहे यीशु मसीह, जो तमाम इलाज दवाई लगा चुके, पैसा लगा चुके पिता, ये नहीं चंगे हो रहे, आज से यीशु मसीह आपके नाम से मेरे पिता इनके जीवनों में आदेश देते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता ये आजाद हो जाए पिता, चंगे हो जाए। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता, मेरे पिता आपके नाम से दुष्ट आत्मा थर थरे पिता, आपने मुर्दों की जिलाया, अंधों को दृष्टि, जकड़े पाजों को सिद्ध किया, आप यहोवा जुलाओ रे पिता, आपने महान आश्चर्य काम किए। मेरे प्रभु, आपका वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। मेरे पिता यीशु मसीह, आपके नाम से मांगते पिता इनके जीवनों में यीशु मसीह ओ चमत्कार करे पिता, ओ चेंजिंग लाइए पिता, ओ बदलाव लाइए पिता, ओ हीलिंग दीजिए इनके जीवनों में यीशु मसीह, ओ चेंजिंग आने पाए इनके जीवन में यीशु मसीह, वो बदलाव आने पाए, वो छुटकारा आने पाए, वो छुटकारा नज़दीक मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, वो चेंजिंग आने पाए पिता, वो बदलाव आ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पवित्र आत्मा जी छू लीजिए, छू लीजिए पवित्र आत्मा जी, हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा जी पिता, जो गरीब हैं पिता, जो लाचार हैं प्रभु, जो कमाने वाले नहीं पिता, जो 100-200 रुपए पर पिता इधर उधर उधार ले रहे मेरे परमेश्वर पिता, ये पिता सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पिता आपके पीछे है। मेरे पिता, आप इनका जीवन संभाल लीजिए पिता, ये टूटने बिखरने ना पाए पिता, मनुष्य निर्बल कमजोर है पिता। मेरे पिता, आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे। मेरे पिता, आप इन्हें पवित्र आत्मा दीजिए पिता, मेरे प्रभु इनकी गरीबी को, इनकी तंगी को, इनकी परेशानी को आप दूर करें पिता, वो चेंजिंग आने पाए, बदलाव आने पाए, ये बहुत सारी जातियों को उद्धार देने बन जाए यीशु मसीह के नाम से, इनकी गरीबी, इनकी तंगी, इनकी परेशानी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
पवित्र पवित्र मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता जो सभी मसीह भाई बहनों से यीशु पापा पाप गलती गुनाह हुए हैं यीशु मसीह आप माफ करे पिता क्षमा करे पर मेरे पिता हम पिता मानव जाते हैं मनुष्य निर्मल कमजोर है पिता हम सभी पाप में गिर सकते हैं गुनाहों में गिर सकते हैं पिता आपने कहा है जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा आपने कहा है जो अपने अपराधों को मान लेता है उसके ऊपर दया की जाएगी जो अपने अपराधों को छिपा के रखता है उसका कार्य कभी सफल नहीं होता है उसके पापों को गुनाहों को क्षमा नहीं किया जाएगा मेरे पिता आपने कहा है मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता जो मसीह भवन पिता रात में नहीं सो पाते पिता जिन्हें डर लगता है गंदे सपने आते हैं पिता जो दुष्ट जो गंदी आत्माएं बदरूही चाले पिता इनके जीवन में कार्य करती हैं यीशु मसीह आपके नाम से वे गंदी आत्माओं के बंधन टूट जाएं पिता हर एक रुकावट के बंधन जादू टोना के बंधन हर एक कराधारा के बंधन जल जाएं पिता अंधकार की शक्तियां जल जाएं यीशु मसीह के नाम से जल जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी मेरे पिता मुझे आशा है विश्वास है यीशु मसीह आपने प्राणों को सुना है मेरे पिता ये छोटी सी विनती उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे और पावन नाम से मांगते हैं सुनिए और कबूल करिएगा आमीन।